बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास वो टाइम होता है जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हिट टू द ग्राउंड, यानी जस्ट बिफोर हिट अ ग्राउंड, ये ज़मीन तक पहुंचने के लिए टाइम लेता है। उस टाइम को हम क्या नाम देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने थ्रो किया, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जस्ट ये हिटिंग टू द ग्राउंड है, ये लैंडिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसको टाइम लगेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको यूज करेंगे, वो क्या है? डेट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है उसको यूज करेंगे, ये आ जाएगा बी आई बाई ये बी आई बाय। अब क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन इसके या वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है, जितनी हाइट पे प्रोजेक्टाइल ऊपर गया उतनी ही पे वापस आ जाता है। यानी अगर हम एस इज इक्वल टू एच रखते हैं तो डेट इज इक्वल टू जीरो, और बी आई बाय ये किसके इक्वल होगा? डेट इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा आ जाएगा, और ए बाय किसके इक्वल है? डेट इज इक्वल टू माइनस ई। अब ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, एस की जगह पे क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा टी प्लस वन बाई टू ए बाई की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस जी टी स्क्वायर। ये आ जाएगा जीरो, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी आई साइन थीटा t माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई टू जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ये जो t है इस t स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो यहां से हम t फाइंड कर लेते हैं तो t किसके इक्वल आ जाएगा? ये टू इस तरफ डिवाइड और इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वी आई साइन थीटा अगर क्या आ जाएगा? जी, ये हमारे पास पहली आ गई है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी? जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल सिमत में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम नाम देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वो हमने x पढ़ा था, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इन टू टी, तो इसको हम रेंज क्या देते हैं? तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू वी आई एक्स इन टू टी। अब वी आई एक्स किसके इक्वल होता है? ये हमने पढ़ा था कि वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई cos theta, और t किसकी इक्वल है? ये अभी हमने फाइंड किया है, that is equal to 2 bi sin theta over g। अब v a x और t इन दोनों की वैल्यू हमने यहां पे रख देनी है, तो ये आ जाएगा r is equal to vi cos theta, t की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 वी आई साइन थीटा अगर जी। एक ये वी आई और एक ये वी आई है, तो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर जी। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है,
टू साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू था साइन ऑफ टू थीटा। तो इस सारी की जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन ऑफ टू थीटा। तो ये रेंज आ जाएगी आर इज इक्वल टू बी आई स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा ओवर जी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, बी आई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो फॉर मैक्सिमम रेंज हमारे पास साइन टू थीटा जो है ना दैट वुड बी मैक्सिमम, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है वन। तो यहां से अगर हम टू थीटा फाइंड करें ये किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स वन। तो साइन इनवर्स वन किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से थीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, 45। यानी अगर ये एंगल हम 45 रखते हैं तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल होगी, डेट इज इक्वल टू आ जाएगा बी आई स्क्वायर जीरो, ये हमारे पास मैक्सिमम। अब अगर इस फैक्टर की जगह हम आर मैक्सिमम रख दें तो मैक्सिमम और किसी भी लंबे रेंज का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आर मैक्सिमम साइन ऑफ टू थीटा। ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे थी उसको फाइंड किया है।